सर हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ करवाएं थोड़ा सा और ये बताएं कि लाहौरी ढाबा क्या आपको कैसा फील हुआ है और आपने एंजॉय किया और हमारे नाज़रीन को आप बताना चाहेंगे कि वो मस्त हैं यहाँ। मैं बड़ी डिफरेंट बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सलमान क्यारी है, जेलम से बिलोंग करता हूँ। हमने 2022 में एक रैंडम विजिट किया था लेट नाइट में शेख साहब के पास यहाँ ढाबा में, और हम तीन चार कुलीग से हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें शीशा सर्व करें। उन्होंने शीशा सर्व किया, फिर चाय हमने पी और तकरीबन हमने 2 से 3 घंटे शेख साहब के पास यहाँ स्पेंड किए। और इनकी उस वक्त क्लोजिंग टाइम था, बट ही वाज सो जेनरस कि उन्होंने बड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की। और आज सेकेंड टाइम आप यहाँ पे आए, तो आप किसी रेस्टोरेंट में आते हैं तो मेन 2-3 चीजें हैं जो बड़ी जरूरी होती हैं। नंबर वन, सबसे पहले कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, विच इज एक्सेलेंट है। फिर उसकी आपकी अप्रोच टूवर्ड योर कस्टमर कैसी है, जो हमने 22 में ही विटनेस कर ली थी कि इज वेरी जेनरस टूवर्ड्स हिज कस्टमर। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज है कि नीटनेस और क्लीननेस कितनी है। वो जब आप लाहौरी ढाबा विजिट करेंगे तो आपको नजर आ जाएगी कि इनके किचन से लेके और सर्विंग तक बहुत ही अच्छी नीटनेस क्लीननेस है। और फिर टेस्ट इज सो अमेजिंग, स्पेशली अगर आप पकौड़ा लवर्स हैं तो आप मेप्टाबाद के अलियासी पकौड़े बड़े मशहूर हैं, फिर डुमेरी के पकौड़े मशहूर हैं, बट आई कैन से कि इन दो पकौड़ों को आज जो इन्होंने सर्व किया हमें, उन्होंने काटा। और अचार एंड दाल वाज सो गुड, और आई विश हिम वेरी बेस्ट लक, और इंशाल्लाह ताला ये मजीद तरक्की करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।